अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दखनी खबरनामे में जबरदस्त खबर लेके मैं हूँ आपके साथ मोहम्मद मिनहाज हुसैन। सबसे पहले सुर्खियाँ देखें। आंध्रा कांग्रेस के लीडर पद्माराजू बोले, रियासत के दो टुकड़े, लोगों और सियासी पार्टियों के लीडरों से पूछताछ करें। सियासत सियासत नहीं रही, बिजनेस बन गई बोल के सीबीआई के लीडर राघवगुरु बोल रहे हैं। इलेक्शनों के वास्ते मुहिम चला के केसीआर, बंडारू दत्तात्रेय और दूसरे छुट्टियां मनाने निकल गए। टीडीपी के बड़े चंद्राबाबू नायडू का दौर भयानक था बोल के वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के लीडर विजयम्मा बोले। मल्काजगिरी के एरिया में चोरा सॉफ्टवेयर इंजीनियर के घर से 4 लाख रुपए के जेवरात चुरा लिए। अब खबरें तफसील से। धुआंधार इलेक्शन की मुहिम चलाने के बाद सियासी लीडर अपने घरों में आराम के साथ अपने फैमिली वालों के साथ वक्त गुजार रहे। इन लोगों में से बंडारू दत्तात्रेय, केसीआर और दूसरे कितने के लीडर हैं। बीजेपी के लीडर बंडारू दत्तात्रेय जो सिकंदराबाद से एमपी के वास्ते इलेक्शन लड़े थे, इन्होंने बोले इलेक्शन के दिनों में उन्होंने उनकी प्राइवेट मसरूफियत जो थी वो भी पूरी नहीं कर सक रहे थे। जैसे ही पोलिंग ख़त्म हो गई उन्होंने रोज़ाना 1 घंटा सुबह में पैदल चल रहे थे और योगा वर्जिश भी शुरू कर दिए। ऐसे टीआरएस के लीडर केसीआर, हरीश राव, ई राजेंद्र और दूसरे लीडर भी बोल रहे। इन लोगों का तो सुकून में इस वास्ते भी है कि जो भी इतला मिल रही उससे ये मालूम हो रहा कि टीआरएस वाले जीत जाने वाले हैं। आंध्रा कांग्रेस लीडर पद्माराजू बोले, रियासत के दो टुकड़े, लोगों और सियासी पार्टियों के लीडरों से पूछताछ करें। मोदी झूठे बातें करने के। पद्माराजू मीडिया वालों से बातें करते हुए नरेंद्र मोदी पे खूब कुड़कुड़ाए और बोले नरेंद्र मोदी सीमा आंध्रा में सब झूठे बातें करके चले गए और इन्होंने आंध्रा के लोगों से सुनहरा आंध्रा बनाने का झूठा वादा करे। कई को बोले तो इन्होंने गुजरात को सुनहरा नहीं बनाए तो आंध्रा को क्या सुनहरा बनाते। इन्होंने बोले सीमा आंध्रा को खाली कांग्रेस पार्टी अच्छा बना सकती। कई को बोले तो कांग्रेस पार्टी जो वादा करती वो वादा पूरा करती। इन्होंने बोले मोदी खाली बाबू और पुरंदेश्वरी की तारीफ करने के वास्ते आए थे। सीपीएम लीडर राघवुल बोले, ये बात खतरनाक हो रही, पॉलिटिकल पार्टियों में कॉरपोरेट कल्चर बढ़ गया और सियासी बिजनेस बन के रह गया। मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट लीडर राघवुल मीडिया वालों से बातें करते बोले बाएबाजों की जमातें तेलंगाना और आंध्रा दोनों रियासतों में अहम रोल अदा करती। इन्होंने ये बात मान ली कि सीमा आंध्रा में पार्टी कमजोर है, अगर इसको ताकतवर नहीं बनाए तो आंध्रा रियासत में पार्टी को बचाना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने ये बात पे परेशानी जाहिर करते हुए बोले पॉलिटिकल पार्टियों में कॉरपोरेट कल्चर बढ़ जा रहा और सियासत बिजनेस बन जा रही। उन्होंने ये बात का भी अंदेशा जाहिर करे कि आगे चल के हर तबके को बचाना मुश्किल हो जाएंगे। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी और आंध्र प्रदेश के इंचार्ज दिग्विजय सिंह बोले, उनका और अमृता राय का जो चक्कर चल रहा वो उनका जाती मामला है कहते। दिग्विजय सिंह जो बोल रहे हैं वो बात सही है, मगर उन्होंने पब्लिक के लीडर है, बहुत से लोग उनको आइडियल भी बनाए हुए हैं। उनका देखा देखिए अगर सारे बुड्ढे जवान औरतों से आशिकी करना शुरू कर दिए तो एक तो जवान आदमियों का हक मारे जाएगा, दूसरे बुड्ढे लोगों के बुढ़ी बीवियाँ आखिरी उम्र में अपने अपने आदमियों के वाहियात चाले देख देख के कुड़ कुड़ के मरते जाएंगे। दिग्विजय सिंह कांग्रेस के उम्मीदवार श्रीधर की मिजाज पुरसी के वास्ते पंजागुट्टा के निम्स हॉस्पिटल को आए थे, वहाँ पे उनको मीडिया वाले घेर लिए थे, उनसे अमृता राय के बारे में सवाल करना शुरू कर दिए तो उन्होंने बोले मैं नरेंद्र मोदी के जैसा बुजदिल नहीं हूँ जो अपने शादी के मामले को 30 साल तक छुपा के रखा, मैं अमृता राय से उनके मियाँ से तलाक हो गए बाद में शादी कर लूँगा। दिग्विजय सिंह 67 साल के हो गए, उन्होंने अब आशिकी कर रही, एक सच्चे आशिक के जैसा खुल्लम खुल्ला मोहब्बत का इजहार कर रही और अपनी महबूबा से शादी का ऐलान कर रही। लोग सच्ची बोलते मोहब्बत अंधी रहती, बेचारी अमृता राय को ये नहीं दिख रहा दिग्विजय सिंह की उम्र आशिकी की नहीं बल्कि नसीहतें करते हुए बैठने की है। दिग्विजय सिंह को ऐनक लगाने के बाद भी ये नहीं दिख रहा उनकी उम्र में और उनकी महबूबा की उम्र में एक नेशनल पार्टी और लोकल पार्टी के उतना फ़र्क है। उन्होंने मोदी की मिसाल दिए मगर उन्होंने ये नहीं सोचे मोदी अपनी बीवी के नहीं हुए, दिग्विजय सिंह दूसरे की बीवी के शौहर बनने की तैयारी कर रही। मोदी अपनी बीवी से जवानी में मोहब्बत नहीं करे, दिग्विजय सिंह दूसरे की बीवी पे 67 साल की उम्र में लाइटा मार रहे। दिग्विजय सिंह हमेशा से जो भी बोलते साफ साफ बोल देते, उन्होंने अपनी आशिक को भी नहीं छुपाए बल्कि एक सच्चे आशिक के जैसा जो कहूँगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा बोले जैसा बोल दिए। वैसा भी लोग बोलते मोहब्बत कमज़ोर से कमज़ोर आदमी को भी बहादुर बना देती कहते,
और इसका नमूना हम लोग हिंदी और तेलुगु फिल्मों में देखते ही रहते। एक सुक्का मुक्का हीरो अपनी हीरोइन को बचाने 50 मुस्टंडों से लड़ लेता और पूरे लोगों को मार मार के दफा कर देता। अब हमारे को ये भी मालूम हो गया, मोहब्बत बुढ़े से बुढ़े आदमी को भी फुर्तेला कर देती। मगर एक बात है, लोग बोलते इंसान अपनी पहली मोहब्बत को भूल नहीं सकता, ये बात पे हमको शक है। वो कई को बोले तो अगर पहली मोहब्बत फेल हो गई तो थोड़ा बहुत रो के पला के लड़का दूसरी लड़की से और लड़की किसी और से शादी कर लेते। थोड़े दिनों में दूल्हे मियाँ के हाथ में सौदे की थैली, दुल्हन बेगम के गोद में चांद का टुकड़ा आ जाता। पहली मोहब्बत को इन्हों भी भूल जाते, उन्हों भी भूल जाते, मगर बुढ़ापे में होने वाली आखिरी मोहब्बत खबर या समाधि में जाने तक बाकी रहती। इस वास्ते बुढ़ी मोहब्बत ही असली मोहब्बत रहती। हमारी नेक तमन्ना दिग्विजय सिंह के साथ है। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के लीडर विजय अम्मा बोले, तेलुगुदेशम पार्टी के बड़े चंद्रबाबू नायडू का दौर बहुत भयानक दौर था। विजय अम्मा श्रीकाकुलम में रोड शो में ये बोले, चंद्रबाबू नायडू आज किसानों से हेजला दिखाते हुए झूठे वादे कर रहे। उनके दौर में उन्हों किसानों को पूछ के नहीं देख रहे थे। किसानों की हाय लगने से उनकी हुकूमत औंधी हो गई थी। मलकाजगिरी के एरिया साईराम कॉलोनी में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के घर से चोरा 4 लाख रुपए की जेवरात चुरा लिए। चोरा सॉफ्टवेयर इंजीनियर सीताराम के घर का कुफल तोड़ के अंदर घुसे और अलमारी में से 4 लाख रुपए के जेवरात लेके भाग गए। सीताराम मलकाजगिरी पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखा है। पुलिस वाले एक केस बुक करके छानबीन कर रहे। తీసి మరి ఇటు బయటకు వచ్చి చూసినాను, బ్యాక్ సైడ్ వచ్చి ఇది కుల్లా ఉంది, అటు చూడగానే తలపేసింది సార్. క్లూస్ టీమ్ కోసం వదిలేసిన అది తీయకుండా, నేను ఇవేం ముట్టుకోకుండా క్లూస్ టీమ్ చూపించి ఏమంటే 2 జూకాలు తర్వాత ఒక గోల్డ్ చైన్. गए सो कितने की सालों से इस्माइल नगर मोहम्मद नगर के एरियों को घरा दिलाते बोल के पैसे ले रही थी सो एक औरत के खिलाफ लोगा चंद्रन गुट्टे के पुलिस स्टेशन में केस बुक करे। मोहम्मद नगर की रहने वाली 55 साल की शहजादी जहरा नाम की औरत गैसों कितने की सालों से इस्माइल नगर मोहम्मद नगर के एरियों के लोगों को घरा दिलाती बोल के हौला बना रही थी और एक एक आदमी करने से अब तक 10,000 रुपये लेते गई थी। लोगों का भरोसा जीतने के वास्ते उन्हें TDP मेंबरशिप की स्लिप और TDP ऑटो एसोसिएशन का कार्ड सबूत के जैसा दे रही थी। थोड़े दिन पहले उन्हें लोगों से और 2,000 रुपये दो बोल के बोली तो लोगा नहीं दिए और जुमा के दिन चंद्रनगुट्टा पुलिस स्टेशन में 20 लोग जाके केस बुक कराए। वो लोग जहरा को पकड़ के सजा दियो और लोगों के पैसे दिलाओ बोल के पुलिस वालों से अपील करें। पुलिस वाले केस बुक करके तहकीकात शुरू कर दिए। ऐसे लोगों को पुलिस वाले जल्दी से जल्दी पकड़ के सजा दिए तो अच्छा रहता। कई को बोले तो फिर कोई भी गरीब और मासूम लोगों को हौला बना के पैसे नहीं लूटना। घर देते बोल के आज तक नहीं दिए घर, 200-300 लेते जा रहे हैं। आप बोले तो 2,000 दियो, नहीं तो भूल जाओ घर। बोल कौन बोल रहे? जहरा, क्या नाम है? शहजादी जहरा, बाजी बाजी बोलते मोहम्मद नगर में रहते। कब से बन रहे पैसे आप? हमला 4 साल से बन रहे, जुड़ के देखे हकारे घर को। तो आपको क्या दिए उन्होंने? कुछ भी नहीं दिए। ये क्या है? ये TDP का कार्ड दिए। कल वोटिंग में बताया था, नहीं होता बोले हम लोग नहीं मालूम करते। कंप्लेंट करे PS में से? नहीं, अब करने वाले हैं। 8,000 रुपए लिए, हमारे कहीं 3 कार्ड है, 3 कार्डों के 8,000 रुपए लिए। 4 साल से ले रहे, 200-300 बोल रहे हैं। 2,000 दो ना भूल जाओ बोल रहे। अगर कुछ बोले तो छूटा करके कुछ भी कर देती हूँ बोल रहे हैं। कौन बोल रही है? शहजादी जहरा बाजी बोल, मोहम्मद नगर में रहते। कब से ले रहे थे आप लोग? 4 साल से। इसमें कितने लोग हैं? इसमें बहुत लोग हैं, 200-250, डर के मारे कोई भी नहीं आ रहे छूटा करते हुए। आप लोग PS में कंप्लेंट करें? हाँ, रात में करें, अब सुबह में जाना है। अब भेजा बुला रहे हैं, जा रहे हैं। घर लेते बोल के पैसे दिला देते बोल के पैसे ले लिए, ले लेके घर खींचे थे, स्लीपा दे दिए। वो नहीं मालूम है हमारे कुछ भी। और फिर बाद में फिर अभी देते गए, मनते गए, देते गए, मनते गए, देते गए। अब हम गरीब लोग कहाँ से ला के देंगे? हम रोज मेहनत करना तो खाना है, नहीं तो खामोश बैठना है। फिर इससे ज़्यादा नहीं। अब फिर बस 2,000 रुपये दे बोल तो हम घर नहीं मिलता, वो नहीं मिलता, ये नहीं मिलता। मैं छूछा करने वाली हूँ, वो करती हूँ तुम्हारे को, वो कर ये करती हूँ, मेरे को बात ना करिए। अब कैसा करेंगे हम? कुछ ये दरिया तक होना ना। कितने साल से भर रहे पैसे? 4 साल से। कितने पैसे बने आप? एक वक्त 5,000, एक वक्त 5,000, दोनों का है ना हमारे 10,000 बन दिए, फिर वक्त 10,000 ऐसा। कितने लोग बने ऐसा पैसे? ऐसा बोलो तो 500 से बढ़ के थे। किसको दिए पैसे?
क्या नाम है तुमका? शहजादी जहरा को दिए। तो जाके पूछे तो क्या बोल रहे, घर हमारा घर कहाँ पे? आता भाग जा राजा, घर आता आने के टाइम तो खबर करो खबर करो खबर करो, करो कब तक खबर करेंगे? इसलिए कम्प्लेन करे आप किए थे? हाँ रात में गए थे। क्या अपील करना चाह रहे हैं पुलिस को? अब हमारा कुछ उसका ये तो है ना, पैसा तो देना, घर तो भी देना, कुछ भी होना ना उसको। अब कैसा करते आप लोग करके हमारे को दिला दे, लोगों को भी धोखा दिए। क्यों करना है करो, अब हमारे कैसा दिला देते, आप कैसा भी करके हमारे को कुछ भी दिला दीजिए। हमने कम्प्लेट तो रात में सिखा दिए हैं जाके, फिर अब कैसा करना? अब हमारे साथ हुआ तो दूसरों के साथ भी ऐसी हुआ तो कैसा? कहाँ रहते हो जैनब जी? इस्माइल नगर में, मोहम्मद नगर है, मोहम्मद नगर में रहते हो। शमशाबाद में एक फाइनेंसर को कौन की लोगा बुरी तरीके से मार के ख़त्म कर दिए। 40 साल के श्रीनिवास रेड्डी रेलवे गेट के पीछे सूरज गार्डन के पास से जा रहा था, कौन की लोगा चाकू से हमला कर दिए और उसके ऊपर एक वजन पत्थर डाल दिए और वहां से भाग गए। श्रीनिवास रेड्डी हमले के बाद जगह पे मर गया। मालूम होते RGI पुलिस इंस्पेक्टर सुधाकर वहां पे गए और पंचनामे के बाद लाश को उस्मानिया दवाखाने को भिजा दिए और कत्ल का एक केस बुक करके छानबीन शुरू कर दिए। ये कत्ल की वजह पुरानी दुश्मनी भी हो सकती बोल रहे हैं। लाड़ बाजार में हैसो मुजीब बैंगल्स वालों की तरफ से जुम्मे के दिन अजमेर शरीफ के वास्ते एक चादर भिजाए। अजमेर शरीफ का संदल लेवल के मुजीब बैंगल्स वाले एक चादर भिजाए। उस वक्त पे MIM के जनरल सेक्रेटरी अहमद पाशा खादरी और फतरगट्टी के कारपोरेटर मोहसिन बलाला भी आए थे। दुकान के ओनर उन दोनों को फूला पिनाए। मीडिया वालों से बात करते हुए अहमद पाशा खादरी MIM वाले जीत नावल के दुआ करे। उसे शरीफ हजरत से ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी सरकार रहीमा क़िबला रहमतुल्लाह अलैह के ज़िमन में हमेशा के हर साल की तरह इस साल भी मुजीब बैंगल्स की जानिब से मंजूर अहमद साहब रुकने शुरा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सरपरस्ती में गिलाफ़े मुबारक यहाँ से तैयार करके अजमेर शरीफ को रवाना किया जाता है। चुनाचे आज गिलाफ तैयार हो चुका और ये अजमेर शरीफ के रवाना होने वाला है। इस मौके पर मोहसिन बलाला कारपोरेटर को और मुझे मधु किया गया। मैं दुआ करता हूँ कि हुजूर गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के सत्ते में अल्लाह ताला हम तमाम में इत्तेहाद पैदा करे और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाबी अता करे और पूरे मुल्क के मुसलमानों को अमन अमान से रहने का मौका फराहम करे। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। कांग्रेस MP हनुमंतराव बोले, TRS के लीडर हैं जो CM की कुर्सी और मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठने का ख्वाब देख रहे हैं वो कभी पूरा होने वाला नहीं है। तेलंगाना कांग्रेस के MP हनुमंतराव मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले, अंबरपेट हल्के असेंबली में BJP और दूसरे पार्टियों की पोलिंग के बाद भी मेरे को वोटरों पे भरोसा है कि ये हल्के से मैच जीत जाऊंगा। इन्होंने चंद्रशेखर राव और दूसरे TRS के लीडरों पे कुड़कुड़ाते हुए बोले, इन लोग जो ख्वाबा देख रहे वो पूरे होने वाले नहीं है और इन लोगों की नींद 16 मई को उड़ जाती कहते। BJP के लीडर किशन रेड्डी बोले, पार्टी के बड़े होने की वजह से इन्होंने 2 साल के बाद अब सुकून के साथ फैमिली वालों को टाइम दे रहे थे। BJP के बड़े किशन रेड्डी मीडिया वालों से बात करते हुए तेलुगु देशम BJP दोस्ती तेलंगाना में जीत के सबको बौरान कर देंगी बोले। इन्होंने बोले, इन पे कितने की जिम्मेदारियाँ रहने की वजह से इनका काम बहुत बढ़ गया था। कई को बोले तो इन्होंने पहले निज़ामबाद से इलेक्शन, उसके बाद महबूब नगर का इलेक्शन, फिर तेलंगाना की तहरीक की वजह से घर वालों के साथ रहने का मौका नहीं मिल रहा था कहते। 30 अप्रैल के बाद से उन्हें फैमिली के साथ रहने का मौका मिल रहा है। विजयनगर कॉलोनी के एरिया के एक घर में चोरी हुई जिसमें 18 तोले सोना और 40,000 रुपए नकद चोरा चुरा के ले गए। विजयनगर कॉलोनी के घर 82x2RT में घर वाले सो रहे थे जब सुबह सुबह चोरा 18 तोले सोना और 40,000 रुपए नकद लूट लेके चले गए। हिमायू नगर पुलिस स्टेशन में उन लोगों ने शिकायत कराए। SI सी राजू, श्याम सुंदर, ASI हुसैन और उनके साथ क्लू टीम और डॉग स्क्वाड को आके वहां पे चेकिंग करें। रियासत में गर्मी दिन ब दिन बढ़ते जारी और मौसम का हाल बोलने वाले ऑफिसर बोल रहे हैं ये महीने में गर्मी और भी बढ़ सकती कहते, जिसकी वजह से लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तेलंगाना में अब के गर्मा में ज़िला निज़ामबाद सबसे ज़्यादा गर्म एरिया है कहते, वहाँ पे गर्मी का हाल 42 डिग्री तक है। उसके बाद ज़िला करीमनगर है, वहाँ पे गर्मी का हाल 41 डिग्री है और हैदराबाद में गर्मी का आलम तो पूछो नको 39.4 डिग्री है। गर्मा अभी शुरू हुआ तो इस गर्मी का ये आलम है।
मौसम का हाल बोलने वाले ऑफिसर हैं तो ये भी बोल रही, ये महीने में गर्मी और भी बढ़ जाती, ये गर्मी में लोगों की 3-5 हो जा रही, और गर्मी बड़ी तो क्या होता कि क्या है कि, और ऊपर से करंट भी 3-3 घंटे चले जा रहा। खैर अपने हैदराबाद में तो उतना बुरा हाल नहीं है जितना गाँव में है, गाँव में तो खाली 6-8 घंटे ही करंट आ रहा करते। ये गर्मी की वजह से अब क्या आइसक्रीमा वाले, कोल्ड ड्रिंक वाले, लस्सी बेचने वाले और दूसरे ठंडे चीज़ें बेच रहे वालों बहुत खुश है। कई को बोले तो इन लोगों को पलक मारे से उतनी देर भी फुर्सत नहीं है, उतना गिराक उन लोगों के पास है। इन लोग तो दुआएं कर रहे होंगे, या अल्लाह ये पूरा साल गर्मा रहा तो कितना अच्छा रहता। विजयनगर कॉलोनी में 2 मई की सुबह 45 2 RT में पवन कुमार के घर से 35 तोले सोना, 3,500 रुपये नकद रकम चोरी हुई। हुमायूं नगर के पुलिस वाले एक केस बुक करके छानबीन कर रहे हैं। मेहंदीपट्टनम मेन रोड पे पिल्लर नंबर 26 के पास एक नए मालूम सो आदमी की लाश पड़ी हुई थी। उसकी उम्र 35 से 40 साल है। आसिफ नगर पुलिस स्टेशन वाले इसकी लाश को उस्मानिया दवाखाने को भेजा दिए और एक केस बुक करके छानबीन कर रहे हैं। एपी स्टेट हज कमेटी के स्पेशल ऑफिसर एसए शुकुर हज को जाने वालों से ख्वाहिश करें हज के खर्चे के 81,000 रुपये 15 मई से पहले SBI में जमा कर देना करते। इन्हों बोले सेलेक्ट हुए 100 लोगों को कन्फर्मेशन लेटर भेजा दिए, ये लेटर के साथ चालान भी लगे हुआ है। हज को जाने वाले रकम जमा करते वक्त बैंक रेफरेंस नंबर फॉर्म पे कैसा भी लिखना, कई को बोले तो हर एक का रेफरेंस नंबर अलग अलग रहता। इन्हों बोले रकम जमा कराने के बाद चालान के साथ असल पासपोर्ट और एक पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो भी हज कमेटी के ऑफिस में दाखिल कर देना। ये साल रियासत से 5,380 का कोटा मुकर्रर करे, जिसमें से 1,476 हाजियों का रिजर्व कोटे में सिलेक्शन हुआ और 3,094 हाजियों को ड्रॉ करके सेलेक्ट करे। इन्हों बोले हाजियों का बैंक रेफरेंस नंबर हज कमेटी की वेबसाइट www.hajcommittee.com पे मिल जाता, और भी मालूमात करना है तो हज हाउस नामपल्ली के ऑफिस के फ़ोन नंबर 0402329873 पे फ़ोन कर सकते हैं। कांग्रेस के तरफ से इलेक्शन की मुहिम चला रहे सो प्रियंका वड्रा अपोजिशन के पार्टियों पे कुड़कुड़ाते हुए बोले अमेठी के लोगों को मालूम है कि इनके असली हमदर्द कौन सी पार्टी है और कौन सी पार्टी नहीं है। राहुल गांधी के वास्ते अमेठी में इलेक्शन की मुहिम चला रहे सो प्रियंका गांधी जुमा के दिन दूसरे पार्टियों के ऊपर ओंट लेते हुए बोले अमेठी से किते की पार्टी के लोग इलेक्शन लड़ रहे, मगर अमेठी के लोगों को अच्छे से मालूम है कि उन लोगों की हमदर्द कौन सी पार्टी है और कौन सी पार्टी अमेठी को तरक्की दे सकती। RJD के लीडर लालू प्रसाद यादव बोले मोदी को पाकिस्तान को भेजा देना बेहतरीन इलाज है। इन्होंने बोले मोदी के लोग दूसरों को पाकिस्तान भेजा दो बोलते, इससे अच्छा तो ये मोदी को पाकिस्तान भेजा देना अच्छा है। आसाम के ज़िले बोडोलैंड में कोकरा एरिया के नज़दीक थोड़े नए मालूम से लोग घर में घुस के फायरिंग करे, जिसकी वजह से 11 लोग मर गए और 5 जने खूनमखान हो गए। मरने वाले लोग एक ही खानदान के है कहते हैं, जिसमें औरतें और छोटे बच्चे भी हैं। BJP के लीडर नरेंद्र मोदी कांग्रेस के सदर सोनिया गांधी राहुल गांधी का नाम लिए बगैर बोले माँ बेटी की हुकूमत पूरे मुल्क को बर्बाद कर दी। इन्होंने बोले माँ बेटी की सरकार एक से बढ़ के एक घपले करी और कुर्सी के वास्ते दोनों पूरे मुल्क को बर्बाद कर दिए। उन्होंने ये बात एक इलेक्शन के जलसे में बोले। इन्होंने ये भी बोले कांग्रेस पार्टी क्रिमिनल केसों पे कंट्रोल नहीं करी, उनकी हुकूमत में किसाना खुदकुशी कर लिए, हुकूमत लोगों के वास्ते कुछ भी नहीं करी। उन्होंने दूसरों के बारे में बहुत ही बातें कर रहे, दिल में ऐसो बोल रहे, उन्होंने गुजरात में क्या करे। लीडर ना बोलते मोदी बोलते हुए फिरते गुजरात मॉडल के जैसा पूरे देश को बनाएंगे, देश में विकास होगा। उन्होंने गुजरात को छोड़ के पूरे मुल्क को अच्छा करने के वास्ते निकले हुए है। इन्होंने अगर मुल्क के वजीर आजम बन गए तो देखेंगे मुल्क की तरक्की के वास्ते क्या करते, ये तो आधा सौ वक्त ही बताएंगा। सोनिया गांधी के सियासी सेक्रेटरी अहमद पटेल बोले अगर नरेंद्र मोदी ये बात साबित कर दिए मोदी के CM बनने के बाद कभी पटेल इनके घर को या दफ्तर को गए थे तो इन्होंने सियासत से हमेशा के वास्ते हट जाते थे। अहमद पटेल नरेंद्र मोदी की ये बात को मस्खरा पना और फेकम फाक है बोलते, उन्होंने कभी नरेंद्र मोदी के दोस्त थे। अहमद पटेल हैरत से बोले जो आदमी का उनकी अपनी पार्टी BJP में कोई दोस्त नहीं है तो मैं ऐसे आदमी का दोस्त कैसा हो सकता हूँ।
वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के लीडर शर्मिला बोले, तेलुगु फिल्मों के हीरो और तेलुगु देशम पार्टी के उम्मीदवार बालाकृष्ण को इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए था। गुंडूर में रोड शो करते वक्त शर्मिला बोले, बालाकृष्ण की दिमागी हालत अच्छी नहीं है बोल के डॉक्टर ने बोल दिए, तो ऐसा आदमी जिसका दिमाग खराब है इलेक्शन में कैसा खड़े रह सकता। बीजेपी के लीडर गिरिराज के खिलाफ थासो वारंट को कोर्ट वाले रिजेक्ट कर दिए। कुछ भी कानूनी सबूत नहीं होने की वजह से इनको राहत मिल गई। इन्हों लोगों को भड़काने के वास्ते स्पीच दिए थे बोल के इनके खिलाफ वारंट निकाले थे। अपने हैदराबाद की मशहूर सोने की दुकान मालाबार गोल्ड ज्वेलर्स में जुमे के दिन सोने की कीमत ये रही। 24 कैरेट सोने की कीमत 29,480 रुपये और 22 कैरेट सोने की कीमत 27,870 रुपये। अब अपन तेलंगाना के 10 जिलों के मौसम का हाल देखेंगे। हैदराबाद कम से कम 28 दर्जे हरारत और ज़्यादा से ज़्यादा 43 दर्जे हरारत। खम्मम कम से कम 27 और ज़्यादा से ज़्यादा 46। वरंगल कम से कम 27 और ज़्यादा से ज़्यादा 42। मेदक कम से कम 28 और ज़्यादा से ज़्यादा 43। करीमनगर कम से कम 26 और ज़्यादा से ज़्यादा 42। नलगुंडा कम से कम 28 और ज़्यादा से ज़्यादा 43। महबूबनगर कम से कम 28 और ज़्यादा से ज़्यादा 43। आदिलाबाद कम से कम 31 और ज़्यादा से ज़्यादा 44। रंगारेड्डी कम से कम 28 और ज़्यादा से ज़्यादा 43। और निज़ामाबाद कम से कम 30 दर्जा हरारत और ज़्यादा से ज़्यादा 43 दर्जा हरारत रिकॉर्ड करेगा। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर देखो। आंध्र कांग्रेस के लीडर पद्माराजू बोले, रियासत के दो टुकड़े लोगों और सियासी पार्टियों के लीडरों से पूछताछ करें। सियासत सियासत नहीं रही बिजनेस बन गई बोल के सीबीआई के लीडर राघवुलू बोल रहे हैं। इलेक्शनों के वास्ते मुहिम चला के केसीआर बंडारू दत्तात्रेय और दूसरे छुट्टियां मनाने निकल गए। टीडीपी के बड़े चंद्राबाबू नायडू का दौर भयानक था बोल के वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के लीडर विजय अम्मा बोले। मलकाजगिरी के एरिया में चोरा सॉफ्टवेयर इंजीनियर के घर से 4 लाख रुपए के जेवरात चुरा लिए। नाजरीन दखनी खबरनामे में बस इतना और अच्छी अच्छी खबरें लेके मैं फिर आता हूँ। जब तक देखते रहो रियल चैनल और हंसते मुस्कुराते रहो। अल्लाह हाफिज़।